नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके 100% खूबसूरत होने में कमी डालने वाले एक बहुत बड़े विषय पर। आप लोग, हम लोग अपने स्किन की केयर करते हैं, स्किन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, चेहरे पे तमाम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मात खा जाते हैं कि गुलाबी होंठ पर। तमाम बॉलीवुड में गाने बने हैं, तमाम बॉलीवुड में बातें बनी हैं, तमाम शायरों ने गुलाबी होठों पर तमाम कविताएं लिखी हैं। आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में होठों को गुलाबी करने की या होठों का कालापन दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। यह वो दवाएं हैं जो आपके होठों को गुलाबी बना देंगे, आपके होठ जो काले पड़ गए हैं उसको यह बिल्कुल अपने नेचुरल फॉर्म में ले आएंगे। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं कि आखिर होठों का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होठ गुलाबी या काले होते हैं। ये जो अपने होठ होते हैं, इस पे एक सबसे ऊपर बड़ी पतली एक सेलुलर लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। यह लेयर ही आपके होठों पे चमक लाती है। जब किसी भी कारणों से, चाहे वो यूवी रेडिएशंस का कारण हो, चाहे वो स्मोकिंग का कारण हो, चाहे कोई हेल्थ कारण हो, चाहे एनीमिया का कारण हो, कोई भी कारण से जब इस सेलुलर लेयर के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है, तो आपका होंठ गुलाबी यानी पिंकिश टोन ना देके डार्किश टोन देने लगते हैं और आप उसको लिपस्टिक और तमाम चीज़ों से छुपाते छुपाते परेशान हो जाती हैं। और लिपस्टिक, एक ख़राब ब्रांड की लिपस्टिक, खास तौर से जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं इनकी लिपस्टिक, या महंगे भी कोई भी हो, लिपस्टिक तो लिपस्टिक है और जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो खूबसूरती तो खूबसूरती है, तो यह सब भी नुकसान करते हैं। तो आप लोग अपना इन होठों को गुलाबी करने के लिए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। अब तो पेंट भी आ गए हैं, अब तो पूरा होंठ पे पेंट करा जाता है, जो कि पहले रामलीला में कलाकार पेंट करते थे, अब वो एक सामान्य जीवन में हमारे आपके घर की महिलाएं अपने होंठ पेंट कर रही हैं। अपना अपना मत है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं थोड़े पुराने विचारों का व्यक्ति हूँ, जितना कुदरत से हो जाए, जितना होम्योपैथी से हो जाए, शायद उतना ही बहुत है। बहरहाल आपका चुनाव है, आप कर सकती हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे होम्योपैथी से इन होठों को गुलाबी करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। तो बात हो गई कि होंठ जो है वो गुलाबी होने का मैकेनिज्म क्या है। अब बात कर लेते हैं इनके कारणों की। तमाम कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो है काले होंठ का है, वह स्मोकिंग। हम लोग के क्लिनिक मरीज आते हैं, हम लोग उनकी होंठ और आंखें देख के पहचान लेते हैं कि सिगरेट जरूर पीता होगा, और हम लोग 95% इसमें सही भी होते हैं। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, दूसरा हाइपर पिगमेंटेशन कारण है, तीसरा यूवी रेडिएशन कारण है, चौथा कोई बीमारियां कारण हो सकती हैं, पांचवा आपका अत्यधिक कॉस्मेटिक्स का उपयोग कारण है। तो इस तरह तमाम कारण हैं जो आपको होंठ को गुलाबी से, जो कि बचपन में आप लोग, हम लोग सब लोग गुलाबी होंठ लेके, कुदरत हमें, ऊपर वाला भगवान हमको उतारता है धरती पर और हम लोग अपने होठों को काला कर देते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए प्रोग्राम है। अपने आप को एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें, क्योंकि ऐड देख के बाजार से कॉस्मेटिक लेना और कोई वीडियो देख के डॉक्टर से दवा, डॉक्टर के बिना बाजार से दवा लेने में बहुत फ़र्क होता है। डॉक्टरी एक बहुत संजीदगी का पेशा होता है, इसको आप मखौल या यूट्यूब पे ना आना। ये केवल एक प्रयास है कि हम आपको इससे रूबरू कराएं कि होम्योपैथी में इसकी दवाएं हैं। आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके इसके विषय में लाभ ले सकती हैं। चलते हैं, आपको बताते हैं काले होठों को गुलाबी करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, होम्योपैथी में काले होठों को कारगर रूप से गुलाबी करने की नंबर एक दवा है कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में यदि आप दो दो बूंद लेती हैं दिन में 3 बार, आप देखेंगी कि आपके काले होंठ गुलाबी हो गए। यह हर सिम्टम पे काम करती है सिवाय स्मोकिंग छोड़ के, यानी कि कोई भी स्थिति में आपके होंठ काले हो रहे हो, अगर आप कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लेती हैं, तो आपके होंठ
गुलाबी हो जाएंगे। दूसरी स्थिति आती है कि आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स का बहुत सेवन करा है और आपके होंठ काले हो गए, या एक बर्थ कंट्रोल पिल्स का आप इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सीपिया। अगर आप सीपिया 32 बूंद दिन में 3 बार लेती हैं तो आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स से जो कहते हैं गर्भ निरोधक गोली खाने से जो आपके होंठ काले हुए हैं वह वापस अपने फार्म पे गुलाबी लौट आएंगे और आप अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। फिर एक स्थिति आती है जब आप में वीकनेस बहुत है और आपके होंठ काले हो गए। तो अगर वीकनेस कमजोरी के कारण आपके होंठ काले हो रहे हैं, आपको लग रहा है दिन भर आप धूप में काम करती हैं, निकलती हैं, कोई सेल्समैन सेल्स गर्ल हैं और आपके होंठ काले हो गए हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में निश्चित रूप से दवा एसिटिक एसिड है। आप एसिटिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इससे आपके होंठ भी काले हो जाएंगे, आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है कि जब आपके लगातार जकड़न नज़ला बना रहता हो, आपके सीने में खड़खड़ाहट रहती हो, हाथ पूरी तरह जाम रहते हो, आप नमी वाली जगह पर रहती हो, तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपके सीने में हमेशा जकड़न बनी रहती है, नज़ला आपको बार बार हो जाता है और आपके होंठ काले हो गए, तो अगर वो स्थिति हो तो आप एंटीम टार्टेरिकम 200 पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगी कि आपकी जकड़न भी ख़त्म हो गई, आपके सीने का कंजेशन भी चला गया और आपके काले हुए होंठ वापस कुदरती रूप से गुलाबी हो गए। फिर एक स्थिति आती है कि जिसमें आपके डिप्रेशन है, आप पे तनाव बहुत है, आप डिप्रेशन में हैं, आप घबराहट में हैं और आपके होंठ काले हो रहे हैं, तो अगर वह स्थिति में आप अपने आप को देखती हैं, उस डिप्रेशन की स्थिति में होंठ काले हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम है। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगी कि आपके होंठ गुलाबी हो गए, आपका डिप्रेशन और डर, जो डर होता है और घबराहट, किसी भी काम को करने से पहले घबराहट, वह सिम्टम आपका खत्म हो गया। फिर एक स्थिति आती है कि आपका शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है और आपके होंठ काले हैं, मतलब इतना ठंडा रहता है कि उसको बिल्कुल आदमी छुए तो कहे यार क्या जान भी है कुछ की नहीं। तो अगर उस तरह का आपका शरीर ठंडा रहता है और आपके होंठ काले हो गए हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैम्फोरा। आप कैम्फोरा 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में भी ऊर्जा आ गई, जो आपका वाइटल फोर्स ख़त्म हो गया वह भी पूरी तरह वापस आ गया, आप ऊर्जावान हो गई और आपके काले हुए होंठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी हो गए और आप समाज में बेहतर कॉन्फिडेंस से मूव कर सकें। फिर एक बहुत कॉमन स्थिति और हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं कि मरीज़ पानी बहुत कम पीता है, उसको प्यास नहीं लगती है। तो अगर मरीज़ पानी बहुत कम पी रहा है और उसके पैरों में ऐठन हो रही, पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, यह सिम्टम मौजूद है काले होंठ के साथ, तो यदि वह क्यूप्रामेट 30 दवा ले लेता है तो उसके पैरों की ऐठन और क्रैम्प्स भी ख़त्म हो जाएंगे, उसका पानी पीने की इच्छा भी जागृत हो जाएगी और उसके काले हुए होंठ पुनः गुलाबी हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि क्यूप्रामेट होम्योपैथी में तांबे से बनी दवा होती है, क्यूप्राम इज कॉपर, तो तांबे से बनी दवा है और तांबे की एक बड़ी खूबसूरती होती है, तांबा 7 रंगों को फेंकता है। तो आप 2 काम शुरू कर सकती हैं, एक तो आपको मैंने दवा बताई क्यूप्रामेट 30, साथ में आप तांबे के जग और तांबे के गिलास में पानी पिए। रात में आप तांबे के जग में 2 लीटर पानी भर के रख दें और सुबह वो पानी तांबे के गिलास में डाल के तब वह पानी पी लें। आप देखेंगे कि जो 7 रंग कुदरत के होते हैं वह आपके चेहरे पे बिखरेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा अपने आप को देखकर। तो आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप हमें याद रखेंगी कि बात बहुत सही कही थी। फिर एक स्थिति आती है कि मरीज़ के काले होंठ हैं और उसका पेट कभी नहीं सही रहता, हमेशा वो जलन हुआ करती है। अगर यह स्थिति आप में हो कि आपको हाइपर एसिडिटी के साथ आपके होंठ काले हों, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है।
आप नक्स वर्मिका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके काले हुए होंठ वापस गुलाबी हो गए जब आपने नक्स वर्मिका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार महीना भर तक ले ली। आपका पेट भी सही हो गया, आपकी हाइपर एसिडिटी भी खत्म हो गई और आप एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की ओर अग्रसित हो गई। अब बात चल रही है काले होंठ की, तो काले होंठ के साथ दो पल हम लोग नीले होंठ की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको अपने लिप्स में ब्लू टिंट दिख रहा है, मतलब काले तो होंठ है ही है साथ में ब्लूनेस दिख रही है, अगर यह स्थिति आपको अपने होंठ में दिखे तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लिकेसिस। आप लिकेसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकती हैं जब आपके होंठों में ब्लैक टिंट के साथ थोड़ा ब्लू टिंट भी हो, तो आप लिकेसिस 30 ले लें और आप अपने होंठों को वापस गुलाबी देखने के लिए तैयार हो जाएं। यह साथियों कुछ दवाएं थीं आपके लिए हमारी तरफ से काले होंठों को गुलाबी करने के विषय में। मैं फिर कह दूं कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ फ़ायदा करती है उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको होम्योपैथी के करीब लाना चाहता था। ये जो आपकी मेहनत का पैसा है जिसको कि आप 1200-1200 रुपये का पेंट लेने में, लिप्स के लिए पेंट, अब तो लिपस्टिक छोड़ दीजिए, पहले हमारा दौर था जो 100 रुपये लेक्मे एक ब्रांड चलता था उस समय, जो सबसे महंगा ब्रांड माना जाता था, उसकी 80-70 रुपये में लिपस्टिक आ जाती थी। आज 1500 रुपये में पेंट आ रहा है, तो आप पेंट से मैं आपको खर्चे से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये दवाएँ बताई हैं। आप इनको एक बार किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा कर लें, आप देखेंगे कि आपके होंठ कुदरती रूप से शायराना अंदाज में गुलाबी हो गए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, इस वीडियो में आपको रोचकता लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा के सबसे पहले हमारा नया से नया वीडियो पाती रहिएगा। आपका हमारे साथ इतनी देर इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।